नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अब वीडियो पार्ट 9 के माध्यम से हम प्रोजेक्शन का जो आपका फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल को भी हम थोड़ा सा आइसोमेट्रिक के माध्यम से बनाना सीखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल को कैसे बनाया जाता है। फिर हम आगे ऐसे ही वीडियो के माध्यम से प्रत्येक चित्र का प्रैक्टिस करेंगे और प्रत्येक चित्र में सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल को लेंगे और फर्स्ट एंगल को बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा आपका जूनियर्स का, उसमें आपका आइसोमेट्रिक भी आ सकता है और ऑर्थोग्राफिक भी आ सकता है। आपको एग्जामिनर एक आइसोमेट्रिक बना के दे सकता है और उसको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए भी कह सकता है। इसके अलावा आपके पास में अगर ऑर्थोग्राफिक आ जाता है, भले ही वो फर्स्ट एंगल में आए या थर्ड एंगल में आए, उससे आपको आइसोमेट्रिक भी बनाने के लिए आ सकता है मेरे एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं एग्ज़ाम के हिसाब से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि इसको अच्छे से आप कॉपी में भी लिखिएगा, नोटिस कीजिएगा या फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे मैं आपके जो प्रोजेक्शन के वीडियो है वो प्रैक्टिस वीडियो बनाऊंगा। वो प्रैक्टिस वीडियो में हम सिंपल अलग अलग चित्रों से हम समझेंगे इसको ऑर्थोग्राफिक बनाना, और ऑर्थोग्राफिक में भी पहले हम फर्स्ट एंगल को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी चित्रों की, और उसके बाद में हम थर्ड एंगल की प्रैक्टिस करेंगे ऑर्थोग्राफिक में। इसी प्रकार से हम प्रोजेक्शन के जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आप प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रत्येक चित्रों को अलग अलग समझ के। किसी में अलग अलग कोई स्लॉट रहेगा आपके, कोई ग्रूव कटा हुआ रहेगा या सर्कल रहेगा, उनको अलग अलग समझेंगे हम हर एक प्रकार से। अब हम इसका फर्स्ट एंगल समझ लेते हैं एक बार। देखिए, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका फ्रंट व्यू है वो ऊपर की ओर बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेकंड में रखा हुआ है, तो इसमें जो फ्रंट है वो विपरीत दिशाओं में बना होता है, यानी कि जो आपका आइसोमेट्रिक रहेगा, आइसोमेट्रिक में आपका इस साइड में अगर फ्रंट दिया हुआ है तो फर्स्ट एंगल में आपको ध्यान रखना है कि विपरीत साइड में बनाना है। जो कि मैंने आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से बताया था कि किस साइड में कौन सा दिखाई देगा आपको, इसीलिए तो ये इसके विपरीत साइड में बनेगा। इस साइड में आपका फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू के साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है या साइड व्यू हम जिसको कहते हैं, ये साइड व्यू बनेगा और फ्रंट के नीचे की ओर आपका प्लान बनेगा। प्लान कहो आप इसे या टॉप कहो, और जो ये सिंबल है जो आपको सिखाया हुआ है, ये सिंबल ये बनेगा। और एक ही लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि आल डायमेंशन आर इन एमएम, आल डायमेंशन आर इन एमएम आपको प्रत्येक चित्र में बनाना है, भले ही ये आप आइसोमेट्रिक बनाओ या ऑर्थोग्राफिक बनाओ। फर्स्ट एंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रंट व्यू इसमें ऊपर की ओर है, फ्रंट के नीचे आपका टॉप व्यू है और साइड आपका साइड में है, और जो विपरीत दिशा में आ गया आपका, यानी कि इस साइड में आपका फ्रंट बना है, और अगर इस साइड में आपका ये फ्रंट आ गया तो फ्रंट के साइड में रहेगा आपका साइड और फ्रंट के नीचे की ओर रहेगा टॉप व्यू। ये बात हो रही है हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमको ऐसा ही बनाना है। बाकी जो चित्र की आकृति है आपकी वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, सेम उसी प्रकार से रहेगी। बस आपका जो ये इसका रखने का तरीका है या फिर बनाने का जो तरीका है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा और साइड व्यू यहाँ पे बनेगा आपका।